इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट द एंटायर सेटअप इज इमर्ज्ड इन प्योर वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कैन नॉट रिस्टोर द ओरिजिनल फिन विड्थ। एक्चुअली में अगर YDSC को यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को किसी मीडियम में ले जाए तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्पीड कम हो जाती है लाइट की। V इक्वल टू न्यू लैम्डा, लाइट की स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ भी कम, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी। फ्रिंज विड्थ वेवलेंथ पर कैसे डिपेंड करती है? ये डी लैम्डा ओवर स्मॉल डी। तो अगर वेवलेंथ कम तो फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाती है। अब इसने कहा इनमें से कौन सा एक्ट कैन नॉट रिस्टोर द ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ, जो फ्रिंज विड्थ कम हो गई उसको वापस से कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब कौन से तरीके से वापस से हम रिस्टोर नहीं कर सकते, ये बताना है। देखो ब्रिंगिंग द स्लिट्स क्लोज टुगेदर, स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन होता है, स्लिट्स के बीच का सेपरेशन दैट इज स्मॉल डी। अगर स्लिट को पास ले आए तो स्मॉल डी कम हो जाएगा, ये वैल्यू कम करेंगे तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज हो जाएगी, मतलब जो डिक्रीज हुई थी सेटअप को पानी में ले जाने की वजह से अब वापस से डी को कम करके हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये अब मतलब इससे हम रिस्टोर कर सकते हैं। इसने पूछा कैन नॉट रिस्टोर, तो इससे तो रिस्टोर कर सकते हैं। दूसरा मूविंग द स्क्रीन अवे फ्रॉम द स्लिट, ये स्क्रीन उसकी डिस्टेंस स्लिट से होती है कैपिटल डी। तो अगर स्क्रीन को दूर लेकर चले जाए तो कैपिटल डी इंक्रीज, तो कैपिटल डी इंक्रीज तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज हो जाएगी, मतलब जो कम हुई थी फिर से वापस बढ़ जाएगी, तो इससे भी हम रिस्टोर कर सकते हैं। रिप्लेसिंग द इंसिडेंट लाइट बाई दैट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, देखो मीडियम में जाने से वेवलेंथ कम, अगर मैं नई वेवलेंथ यूज कर लेता हूं जिसकी वैल्यू ज्यादा है तो वेवलेंथ को बढ़ाने से भी फ्रिंज विड्थ इंक्रीज, तो इससे भी रिस्टोर कर सकते हैं। तो इन तीनों से तो हम फ्रिंज विड्थ को वापस से रिस्टोर कर सकते हैं, मतलब वापस से इंक्रीज कर सकते हैं। इसने पूछा कैन नॉट रिस्टोर, सो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज डी, इंट्रोड्यूसिंग ए थिन ट्रांसपेरेंट स्लैब इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट, जो फ्रिंज विड्थ है यहां पर अगर मैं एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर देता हूं तो उस पर डिपेंड नहीं करती फ्रिंज विड्थ, जो स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से एक्चुअल में क्या होता है, जो फ्रिंज पैटर्न होता है मतलब मैक्सिमम मिनिमम जो बनता है, ये पैटर्न जो है तो ऊपर की तरफ को शिफ्ट हो जाता है या नीचे की तरफ को, डिपेंड करता है जो स्लैब है हमने कहां पर इंट्रोड्यूस की। अगर ऊपर वाली स्लिट के सामने इंट्रोड्यूस की तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे वाली स्लिट के सामने इंट्रोड्यूस की तो नीचे की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन फ्रिंज विड्थ नहीं चेंज होती क्योंकि स्लैब पर डिपेंड ही नहीं करती है। किस पर डिपेंड करते हैं? कैपिटल डी, वो फिक्स है, स्मॉल डी फिक्स और वेवलेंथ फिक्स, तो इस पर डिपेंड नहीं करती जो फ्रिंज विड्थ है, बस पैटर्न पूरा ऊपर की तरफ का नीचे की तरफ को शिफ्ट हो जाता है, तो इससे हम रिस्टोर नहीं कर सकते। तो अपना आंसर है डी, पूछा है कैन नॉट रिस्टोर, इन तीनों से तो रिस्टोर कर सकते हैं, डी को कम करके, कैपिटल डी को इंक्रीज करके, वेवलेंथ को इंक्रीज करके।